हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी कई चैप्टर देख चुके हैं। उसी के आगे क्रम में हम लोग आज देखने वाले हैं अर्थ मूवमेंट के, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार यूजीसी क्वेश्चन पूछ रहा है, ना केवल यूजीसी बल्कि अन्य एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि अर्थ मूवमेंट क्या है और इसके विभिन्न विभिन्न आयाम यानी डायमेंशन कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अर्थ मूवमेंट क्या है। अर्थ मूवमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचलन, यानी संचलन क्या होता है। संचलन का अर्थ ये हुआ कि यदि हम लोग पृथ्वी आपका जो भूपटल है उस पर दृष्टिपात करें, तो हम देखते हैं कि जो हमारा भूपटल है वो काफी क्या है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, क्या है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जो कोई भी घटनाएं होती रहती हैं वो क्या होती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। यानी पृथ्वी पर यत्र-तत्र कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती है, क्योंकि पृथ्वी में कुछ आंतरिक बल कार्य कर रहे हैं और कुछ बाह्य फोर्स कार्य कर रहे हैं। तो यहीं पर बताया, अर्थ मूवमेंट में हमको यही पढ़ना है कि आंतरिक बल के कारण कौन से परिणाम हो रहे हैं और बाह्य बल के कारण कौन से परिणाम हमारे जो है धरातल पर दृष्टिपात हो रहे हैं, यानी हम लोग दृष्टिगोचर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे हमको लगता है कि सारी चीजें क्या हैं, स्थिर हैं, हम किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो जो आपका अर्थ मूवमेंट है, इसको पहले हम दो भागों में बांटते हैं, एक इंडोजेनेटिक और एक एक्सोजेनेटिक। क्योंकि बल जो फोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल होते हैं, पृथ्वी के बाह्य भाग से उत्पन्न होने वाले बल होते हैं जो उसके एटमॉस्फेयर से उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं उसको पुनः क्या करते हैं, हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक डायस्ट्रोफिज्म में बांटते हैं और दूसरा सडन। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है पटल विरूपणी। पटल विरूपणी बल वो बल होता है जो बहुत ही स्लो मोशन में काम करता है, और एक होता है सडन फोर्स, यानी सडन मूवमेंट वाला जो फोर्स होता है बहुत ही क्या करता है, अचानक से काम करता है। आपको तुरंत पता भी नहीं चलेगा कि पृथ्वी पर कितना परिवर्तन आ गया। अब पुनः क्या किया गया है कि जो पटल विरूपणी बल है इसको दो भागों में बांटा गया, इपीरियोजेनिक और एक है ओरोजेनिक। इपीरियोजेनिक होता है महादेश जनक बल, यानी जिससे महाद्वीप और महासागर का निर्माण हम देखते हैं, और एक होता है ओरोजेनिक यानी पर्वत निर्माणकारी बल, जिससे हम क्या देखते हैं कि पर्वतों का निर्माण होता है। पुनः इपीरियोजेनिक को दो भागों में बांटते हैं, एक अपवर्ड फोर्सेस और एक डाउनवर्ड फोर्सेस, और ओरोजेनेटिक को भी दो भागों में बांटते हैं, एक टेंशनल फोर्स के रूप में और एक कंप्रेशन फोर्स के रूप में। ठीक है, जो आपका सडन बल है यानी अचानक होने वाला बल है, इसको दो भागों में बांट कर देखते हैं, जैसे अर्थक्विक के रूप में और वाल्केनो के रूप में। क्योंकि अर्थक्विक और वाल्केनो क्या होता है, अचानक से आता है, इसलिए इसको सडन मूवमेंट के अंतर्गत रखते हैं। और जो आपका महादेश जनक बल यानी जो महाद्वीप की उत्पत्ति होती है, महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति होती है, पर्वत की उत्पत्ति होती है, ये अचानक से नहीं हो जाता है, बल्कि इसमें हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, इसको रखते हैं डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत, यानी पटल विरूपणी बल के अंतर्गत रखते हैं। आपका ये हो गया एंडोजेनेटिक फोर्स। और दूसरा क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स में दो चीजें शामिल हैं, एक होता है आपका वेदरिंग यानी अपक्षय, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, एक होता है इरोजन यानी अपरदन। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट जाना, और इरोजन का मतलब क्या होता है, चट्टानों का जो है क्या होता है, इरोजन में चट्टानों का क्या होता है, अपरदन होता है। ठीक है, इसमें भी सब टाइप दिए गए हैं, इसको आगे आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि बदरिंग कैसे होती है और इरोजन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है टेंशनल फोर्स और एक है कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, क्योंकि जो यूजीसी में क्वेश्चन आता है इसी दो पार्ट से आता है। बाकी आपको इसका डिवीजन याद रखना है कि डायस्ट्रोफिज्म किसको रखेंगे, ठीक है, सडन में किसको रखेंगे और एक्सोजेनेटिक में किसको रखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है और टेंशन क्या होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फोर्स। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बलन। ठीक है, बलन क्या होता है, हम पहले बात कर रहे हैं आपके कंप्रेशन फोर्स की। कंप्रेशन मतलब होता है
दबाव युक्त बल। ठीक है, तो फोल्ड्स का निर्माण कैसे होता है? फोल्ड्स का निर्माण होता है क्षैतिज संचलन के कारण। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी क्या है, रॉक्स है। ठीक है, रॉक्स में कौन सा बल लग रहा है? क्षैतिज संचलन का आकार। संचलन का मतलब होता है मोशन, मोशन का मतलब गति। यानी इस रॉक्स में क्या हो रहा है, क्षैतिज संचलन के कारण क्या कार्य कर रहा है, बल लग रहे हैं। जिस बल के कारण ये चट्टानें क्या हो रही है, लगातार सिकुड़ रही है। क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। और इसमें क्या बन जाते हैं, ऐसे लहरदार मोड़ बन जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं या बलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं या बलन बोलते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स में कुछ आपको उठे हुए भाग नजर आ रहे होंगे और कुछ नीचे वाले भाग नजर आ रहे होंगे। तो जो ये उठे हुए भाग है इसको बोलते हैं अपनति या एंटीक्लाइन, और जो ये नीचे वाले भाग होते हैं इसको बोलते हैं अवनति या क्या बोलते हैं, सिंक लाइन। क्या बोलते हैं? सिंक लाइन। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये सिंक लाइन है और ये क्या है, एंटीक्लाइन है। क्या है? एंटीक्लाइन है। ये बातें आपको क्या करनी है, बलन में याद रखनी है। अब आइए देखते हैं, जो ये बल काम कर रहा है एक क्षैतिज संचलन के कारण, जिसके कारण कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है, आपका संपीड़नात्मक बल उत्पन्न हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है। तो अगर ये बल ज्यादा है, दोनों बल दो बल काम कर रहे हैं, हो सकता है ये बल ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए, हो सकता है ये ज्यादा हो जाए या ये कम हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बल क्या हो जाए, बहुत तेजी के साथ काम कर जाए। ये डिपेंड करेगा, जितना बल काम करेगा दोनों कम या ज्यादा, उसी के अनुसार आपका ये जो फोल्ड है उसका निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी बलों की शक्तियों के आधार पर आइए हम देखते हैं फोल्ड के प्रकार, कि फोल्ड कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फोल्ड के प्रकार। पहला इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड में, इसको हम बाद में देखेंगे इस दोनों को। पहला पढ़ते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है हिंदी में सममित बल। क्या होता है? सममित बल। सममित बल कैसे होता है, जिसमें ये जो बलन की भुजाएं हैं, ये भुजा और ये दोनों भुजा, ये दोनों क्या होता है, समान होता है, उसको बोलते हैं सममित बलन। क्या बोलते हैं? सममित बलन। दूसरा क्या होता है? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? असममित बलन। क्या होता है? असममित बलन, जिसमें बलन की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान नहीं होती, बल्कि एक छोटी होती है या एक क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे इसमें दोनों भुजाएं समान होती हैं बलन की, इसमें क्या होता है, एक छोटी होती है और एक क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे कुछ भी बना लीजिए जिसमें आपका क्या है, बलन की दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, असमान है। ठीक है, तीसरा क्या है, मोनोक्लिनल। मोनोक्लिनल को हिंदी में कहते हैं एक दिग्नत बलन। क्या बोलते हैं? एक दिग्नत बलन, जिसमें क्या होता है कि एक भुजा तो 90 डिग्री पे ऐसे होती है, लेकिन दूसरा क्या होता है, दूसरे में क्या होती है, कम या ज्यादा होती है। यानी एक भुजा इसका कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और दूसरी भुजा क्या होगी, आसमान होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनल, या बोलेंगे एक दिग्नत बलन। क्या बोलेंगे? एक दिग्नत बलन। ठीक है, और अगला है आपका आइसोक्लिनल। आइसोक्लिनल का मतलब होता है सममित बलन। क्या होता है? सममित बलन। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे समनत बलन। समनत बलन, क्या बोलेंगे? समनत बलन। ठीक है, किसको? आइसोक्लिनल को। ठीक है, तो समनत बलन क्या होता है कि इसमें जो बलन की दोनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। यानी जो दोनों भुजा होगी वो किस रूप में होगी, समानांतर होगी। यानी ये बलन की भुजा है और ये बलन की भुजा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, आइसोक्लिनल में समानांतर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। यानी जब दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड। ठीक है, रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है? रिकम्बेंट फोल्ड जब बनता है जब दोनों भुजा एक दूसरे के समानांतर हो और साथ ही साथ किस अवस्था में हो, क्षैतिज अवस्था में हो। ठीक है, इस दोनों में अंतर यही होता है कि ये क्षैतिज अवस्था में नहीं होगा, यानी समानांतर तो होगा, झुका भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे एक दूसरे के क्या होगा, क्षैतिज अवस्था में नहीं होगा। जबकि रिकम्बेंट में क्या होगा कि बलन की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर भी होगी, ऐसे हो जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकम्बेंट फोल्ड। क्या बोलेंगे? रिकम्बेंट फोल्ड। अगला बलन आपका है ओवर टर्नड फोल्ड। ठीक है, ओवर टर्नड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ओवर टर्नड फोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। ओवर टर्नड फोल्ड क्या होता है, जब बलन की भुजा एक भुजा दूसरे भुजा पे क्या हो जाती है, उलट जाती है। यानी यहाँ पर बलन की भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है,
एक भुजा जिसे वलन, ये वलन हुआ और ये भुजा उलट कर किस पे चली गई, इस भुजा, इस वाले भुजा पे उलट जाती है, तो उसको बोलते हैं ओवर टर्न्ड फोल्ड। क्या बोलते हैं? ओवर टर्न्ड फोल्ड। ठीक है, एक होता है आपका ओपन फोल्ड। ओपन फोल्ड क्या होगा? ओपन फोल्ड में जो बलन की भुजाओं के बीच का कोण बनता है, ठीक है, वो 90 डिग्री से तो अधिक होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। जब उस तरह इस प्रकार का फोल्ड का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं ओपन फोल्ड। और एक होता है आपका क्लोज फोल्ड। क्लोज फोल्ड में है कि जो बलन की भुजाओं के बीच जो कोण निर्मित होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। एक नापे, क्या होता है? नापे, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा खंड। नापे क्या होता है? कभी कभी होता है जैसे ये बलन, बलन है, ठीक है, बलन बना हुआ है और इधर से ज्यादा फोर्स लग गया, इधर से ज्यादा फोर्स लग गया, तो ये बलन की जो एक भुजा होती है ये टूट कर क्या हो जाती है? दूर चली जाती है थोड़ा सा, तो उसी को बोलते हैं नापे। क्या बोलते हैं? नापे, यानी ग्रीवा खंड। विश्व में देखेंगे तो जितने भी फोल्ड एंड माउंटेन है वहां पर क्या है, क्योंकि फोल्ड एंड माउंटेन का निर्माण कैसे होगा? इसी बलन के कारण होगा। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी चट्टान है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, और ये चट्टानें मुड़ के किस रूप में हो गई? इस रूप में हो गई। जैसे आपका हिमालय हो गया, ठीक है, आपका राकीज हो गया, आपका एंडीज हो गया, ये सब क्या है? ये सब फोल्डेड माउंटेन है। तो ये सब किसके उदाहरण है? बलन के उदाहरण है। उसी प्रकार से जो नापे होता है, ग्रीवाखंड होता है, इसके भी क्या है हमारे पृथ्वी पर अनेक जगहों पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे आप बात करें आल्प्स पर्वत, यानी जो यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ठीक है, आल्प्स पर्वत भी क्या है? एक फोल्डेड माउंटेन है। तो वहां बहुत सारे क्या है बलन के उदाहरण मिलते हैं, जिसमें पहला है आपका हेल्वेटिक। हेल्वेटिक एक नापे का यानी ग्रीवाखंड का नाम है। दूसरा क्या है? एपिनाइन। क्या है? एपिनाइन। तीसरा क्या है? दिनारिक। ये सब बलन किसमें है? ये सब नापे किसमें पाए जाते हैं? ये सब नापे यानी ग्रीवाखंड जो है वो आल्प्स माउंटेन में पाए जाते हैं। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जो अपना हिमालय है, प्यारा हिमालय, उसमें एक नापे पाया जाता है, उसमें बहुत सारे नापे पाए जाते हैं, लेकिन इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर दिए, जिसका नाम है खब्बू। यानी खब्बू नापे जो है वो कहाँ पर है आपका? अपने प्यारे हिमालय पर्वत में। तो ये रहा फोल्ड और फोल्ड पे निर्मित स्थलाकृतियां। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके जो प्रकार हैं यहीं पर आपसे क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि फोल्ड के बाद क्या देखते हैं, टेंशनल फोर्स के कारण उत्पन्न बल को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं पार्ट की। पहला हमने देखा फोल्ड, अब देखते हैं फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दरार, ठीक है, या भ्रंश। क्या बोलते हैं? भ्रंश, ठीक है। तो पहले देखते हैं भ्रंश का निर्माण कैसे होता है। जब टेंशनल फोर्स, टेंशन मतलब तनाव मूलक, ठीक है, टेंशन जब होता है तो क्या होता है? तनाव होता है। तो तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक संचलन बल के कारण क्या होता है? जब चट्टाने, एक जैसे चट्टान है कोई, इसमें कोई फोर्स काम कर रहा है जो एक तरफ इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो यहाँ से चट्टाने क्या हो जाएंगी? क्रैक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्रैक हो जाएंगी। तो जो एक क्रैक का निर्माण होता है इसी को क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स या दरार बोलते हैं। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ऐसे बोल सकते हो कि टेंशनल फोर्स यानी तनाव मूलक संचलन बल के कारण जब चट्टानों में क्या दरार पड़ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स यानी भ्रंश बोलते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि भ्रंश के कुछ प्रकार हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला भ्रंश, भ्रंश का जो दिया गया है वो कौन सा होता है? रिवर्स फॉल्ट। क्या होता है? रिवर्स फॉल्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भ्रंश। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम भ्रंश। तो व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए ये कोई आपके पास चट्टान है, ठीक है, चट्टान में दो बल काम करेंगे, ठीक है। क्या होता है? चट्टान जो भ्रंश का निर्माण कैसे होगा? दो बलों के कारण ही होगा, कि जब दो बल के कारण तनाव उत्पन्न होगा तभी क्या बनेगा? भ्रंश का निर्माण होगा। ये आपकी कोई रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स में दो भ्रंशों के कारण क्या इसमें बन गया है? दो भ्रंशों के कारण जब चट्टाने एक दूसरी की तरफ क्या करती हैं? मूव करती हैं, यानी यहाँ भी दरार पड़ गया है और यहाँ भी दरार पड़ गया है, दो पार्ट्स के कारण एक दूसरे की ओर। ये शब्द आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, इसमें जो मूविंग होगी क्या होगी, एक दूसरे की तरफ इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, तो इससे जिस स्थलाकृति का निर्माण होगा उसको कौन सा फॉल्ट बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्स फॉल्ट। अगला फॉल्ट आपका क्या है? नॉर्मल फॉल्ट यानी सामान्य भरस। सामान्य भरस में जस्ट इसका अपोजिट है, जिसमें क्या होता है कि जो आपके दो फॉल्ट हैं, दो फॉल्ट के सहारे चट्टाने एक दूसरे से क्या जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती है। इसमें एक दूसरे की ओर आती थी, इसमें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जिस फॉल्ट का निर्माण होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉल्ट। एक होता है लेटरल या स्ट्राइक फॉल्ट। क्या होता है? लेटरल फॉल्ट, जिसको बोलते हैं पार्श्विक भ्रंश। क्या होता है? पार्श्विक भ्रंश। इसमें क्या होता है कि चट्टाने, ये मान लीजिए चट्टान है, ठीक है, और एक ये चट्टान है, तो इसमें चट्टाने क्या होती हैं, एक दूसरे के ऐसे समानांतर क्या करती हैं, सरकती रहती हैं, और उस प्रकार के फॉल्ट को क्या बोलते हैं, लेटरल या स्ट्राइक फॉल्ट। एक होता है आपका स्टेप फॉल्ट। क्या होता है? स्टेप फॉल्ट। कभी कभी क्या होता है कि चट्टानों में भ्रंश के कारण क्या बन जाती है, सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये इस तरीके का जो भ्रंश बनता है, यानी जो सीढ़ी टाइप का आपका भ्रंश बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप फॉल्ट, यानी स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके का भ्रंश का जो ढाल होता है वो हमेशा एक ही ओर होता है, यानी जो ये फॉल्ट बना हुआ है ये कौन सा फॉल्ट है, स्टेप फॉल्ट। यानी स्टेप फॉल्ट को क्या बोलते हैं, स्टेप फॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्ट के प्रकार रहे हैं, इसको जानना आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में चार फॉल्ट दे देगा यही, ठीक है, ये चार फॉल्ट का नाम दे देगा और इधर इन फॉल्ट की विशेषताएं दे देगा और आपसे मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि फॉल्ट के कारण कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसमें से बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं जिसमें तीन प्रमुख हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन तीनों का क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। जिसमें पहला आपका क्या है, रिफ्ट वैली। क्या है? रिफ्ट वैली। तो आइए देखते हैं रिफ्ट वैली कैसे बनती है, ठीक है। ये कोई आपका क्या है, चट्टान है। क्या है? चट्टान है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसमें फॉल्ट हो गया और यहाँ से क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, दो स्थानों से क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, ठीक है। जब दो स्थानों से क्या हो गया, फॉल्ट हो गया और बीच वाला भाग खिसक कर कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ये वाला भाग खिसक कर नीचे आ गया और ये दोनों क्या थे, स्थिर रहे। तो इस तरह से कैसे स्थलाकृति का निर्माण होगा, ये बनेगा आपका इस तरीके से कुछ। देखिए इसमें क्या हुआ कि दो फॉल्ट के सहारे जो बीच वाला भाग था वो नीचे क्या हुआ, खिसक गया और ये दोनों क्या हुए, स्थिर रहे। तो इससे जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ उसको कौन सी वैली बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ध्यान ये रखना है कि बीच वाला भाग नीचे आया है और दोनों भाग आपस में क्या थे, बगल वाले स्थिर थे, तो उस वैली को क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली बोलेंगे। इसका कौन सा उदाहरण है, जैसे नर्मदा और तापी भ्रंश। नर्मदा क्या है, एक भ्रंश घाटी का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा भाग बीच स्थिर रहेगा और कौन सा भाग क्या रहेगा, नीचे या ऊपर आएगा, उसी से स्थलाकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। एक ये हो गया। अगला आपको बताया गया है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। ये आप क्या है, कोई रॉक्स है, इसमें दो स्थानों पर क्या हो गया है, फॉल्ट हो गया है। क्या हो गया है, फॉल्ट हो गया है। इसमें होता क्या है ब्लॉक माउंटेन में, कि ये बीच वाला भाग स्थिर रहता है। क्या रह रहे, बीच वाला भाग स्थिर रहता है और दोनों किनारे वाला भाग सरक कर नीचे आ जाता है, तो कैसी स्थलाकृति बनेगी, ये आपका कुछ इस तरीके से स्थलाकृति का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। जैसे आपका क्या है, सतपुड़ा। क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। देखिए ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, यानी यहाँ पर क्या था, बीच वाला भाग नीचे आया था, दोनों स्थिर थे। यहाँ पर क्या हुआ, बीच वाला भाग स्थिर था, ठीक है, और दोनों भाग क्या हुआ, नीचे चला आया। इससे किसका निर्माण हो गया, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो गया। अब अगला हम देखते हैं, आपको उदाहरण भी जानना जरूरी है कि विश्व में कहाँ कहाँ पर ब्लॉक माउंटेन है, कहाँ कहाँ पर रिफ्ट वैली है, इसके एग्जाम्पल आपको क्या रखने हैं, याद रखते हैं।
अब देखते हैं कि रैंप वैली का निर्माण कैसे होता है। आइए जानते हैं कि रैंप वैली का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई चट्टान है, यहाँ पर फॉल्ट हो गया, दो जगहों पर क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। ठीक है, दो जगहों पर क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, बीच वाला भाग स्थिर रहा, क्या था, बीच वाला भाग स्थिर था, और ये जो दोनों वाला भाग है ये नीचे ना आकर क्या हो गया, ऊपर चला गया, क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो इसमें किस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होगा, यानी बीच वाला भाग आपका स्थिर रहने दीजिए और दोनों वाला भाग क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रैंप बन गया। ठीक है, क्या बन गया, रैंप बन गया। और रैंप वैली का जो उदाहरण है भारत में एकमात्र, वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो आपने देखिए, अगर इसको आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो कहीं पर बीच वाला भाग स्थिर है तो बगल वाला भाग नीचे आ रहा है, कहीं पर जो है बगल वाला भाग स्थिर है बीच वाला भाग ऊपर जा रहा है, यहाँ पर क्या है, बीच वाला स्थिर है लेकिन ये दोनों भाग नीचे ना आकर कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। तो इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण हुआ, इसको क्या बोलते हैं, रैंप वैली। ये जो आपका अंतर है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको बाई फिगर के माध्यम से बनाना है और हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फोल्ड क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है और उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।